औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। एक दफ़ा एक मौलवी साहिब ने हज़रत पीर मीर अली शाह गिलानी रहमतुल्लाह अलैह से सवाल किया कि हज़रत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह के इसी एक दरवाज़े में क्या खासियत है कि इसे बहिश्ती दरवाज़ा कहा जाए। तो हज़रत ने फरमाया, हज़रत सुल्तानुल मशायख निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही का इरशाद है कि मैंने बचश्मे सर आलम ज़ाहिर में हजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को बजस्मे अथर बिमाए चहार असहाब 6 और 7 मुहर्रम की दरमियानी रात को इस दरवाज़े से गुजर कर मकबरा के अंदर तशरीफ ले जाते देखा और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को ये इरशाद करते सुना कि जो इस दरवाज़े में दाखिल हुआ वो अमन में आ गया और मामून हुआ। इसके बाद मौलवी साहिब ने इतराज़ किया कि मुरीद फरीद फरीद क्यों पुकारते हैं, अल्लाह अल्लाह क्यों नहीं पुकारते। इस पर आपने कुरान करीम की आयत फज़कुरूनी अज़कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफुरून पढ़ी और कहा, शेख फरीद ने आखिर दम तक अल्लाह अल्लाह किया। अब अल्लाह अपनी मखलूक की ज़ुबान से फरीद फरीद का जिक्र करा रहा है। तकरीबन 700 साल से ये वादा पूरा किया जा रहा है और क़यामत तक इंशाल्लाह होता रहेगा। दोस्तों, इस चैनल पर आप अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अल्लाह हाफिज़।